अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह 7.2 जो है उसकी एग्जांपल हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। चार पांच एग्जांपल्स हैं, देख लेते हैं उनको। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 है 7.2 की, ये आपको मिल जाएगी। मतलब ये 7.2 से पहले आपको सारी एग्जांपल मिलेंगी। एग्जांपल नंबर 1 है ऑन पेज नंबर 224। ये एग्जांपल सिर्फ करवाने का मकसद ये है कि यार ये जो काम है ना, ये परमुटेशन से भी कर सकते हो, क्योंकि परमुटेशन आपने ज्यादातर मैंने प्रोडक्ट प्रिंसिपल से करवाई हुई है। कहने का मतलब ये कि सवाल प्रोडक्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हो, परमुटेशन से भी कर सकते हो, वरना कोई नहीं है। बहुत बच्चों वाला सवाल है, वही सवाल है कि आपके पास नो डिजिट कैन बी रिपीटेड, परमुटेशन से आप कर सकते हो बिल्कुल। हाउ मेनी डिफरेंट थ्री डिजिट पॉजिटिव होल नंबर कैन बी फॉर्म, आपको तीन डिजिट के होल नंबर बनाने और गिवन आपके पास पांच डिजिट है। तो गिवन डिजिट क्या है, गिवन डिजिट है 2, 3, 5, 7, 8, ये गिवन डिजिट है। आपने बनाना है नंबर ऑफ वेज, निकालते हैं नंबर ऑफ वेज किसके, थ्री डिजिट होल नंबर। आप देखो टोटल थ्री डिजिट, इसको इस तरह लिख देते हैं ना कि टोटल थ्री डिजिट होल नंबर। टोटल थ्री डिजिट होल नंबर आप कितने बना सकते हैं? तो अगेन सबसे पहली चीज ऑर्डर मैटर करेगा यहां पे, क्यों? क्योंकि 2, 3 लिखो, 3, 2 लिखो, बात अलग होती है। तो पहली बार परमुटेशन आपने यूज करनी है। दूसरी बात, परमुटेशन विद रिपीटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल में उन्होंने बता दिया कि नो डिजिट इसके अंदर रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब परमुटेशन विदाउट रिपीटेशन ही आपने करना है। और देखो इस सवाल के दो तरीके, जैसे मैं पहले आप लोगों को करवाता था इस तरीके से करवाता था कि यार कोई भी पांच यहां पर आ सकते हैं, 2, 3, 5, 7, 8 कोई भी पांच आ सकते हैं, और फिर कोई भी चार यहां पे आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 पुट कर दिया, अब 3, 5, 7, 8 कोई भी आ सकता है। आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 × 4 ये हो जाएगा 20। 20 आंसर आ रहा ना है, यहां पे 60 आ रहा है, क्यों? अच्छा सॉरी, मैंने दो डिजिट लिए, तीन डिजिट लेना आपको, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 3 पुट कर दिया यहां पे, अब इसके लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, 5, 7, 8, तीन ऑप्शन है। तो 5 × 4 × 3 हो जाएगा 60। 60 तरीके से आप 60 थ्री डिजिट होल नंबर होंगे जो इन नंबर से बनेंगे, उसमें रिपीटेशन मतलब लेटर रिपीट नहीं होंगे। तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। सिंपल दूसरा मेथड क्या है कि आप इसको परमुटेशन से कर लो। पांच आपके पास डिजिट है, उसमें से आपको तीन करने हैं चूज, मतलब सेलेक्ट करने हैं, अरेंज करने हैं। तो परमुटेशन यूज कर लो, 5p3 क्या होगा, 5p3 का फॉर्मूला हो जाएगा 5 factorial / 3 factorial। वही बात है, 5 factorial क्या होता है, 120, 3 factorial 6 होता है, सॉरी नीचे 2 factorial आएगा, 5 − 3 होता है ना, n − r, तो नीचे हो जाएगा 2, आंसर आपके क्या आ जाएगा 60। तो सेम मैं बताना चाह रहा हूं कि आप परमुटेशन भी यूज कर सकते हो और प्रोडक्ट प्रिंसिपल भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब कोई रिस्ट्रिक्शन होती है ना, परमुटेशन आप यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इनमें से अगर 0 आ जाता, अब परमुटेशन के फॉर्मूले को कैसे पता कि 0 आ गया यहां पे, अब मसला हो जाता, तो फिर आप दोबारा प्रोडक्ट प्रिंसिपल पे चले जाते। फॉर एग्जाम्पल बोलता इवन नंबर, अब इवन नंबर है, प्रोडक्ट प्रिंसिपल को कैसे पता आप, फिर ये सॉरी परमुटेशन को कैसे पता, फिर आप ये प्रोडक्ट प्रिंसिपल लगा रहे होते। तो दैट्स व्हाई प्रोडक्ट प्रिंसिपल ही लगाओ परमुटेशन के अंदर, लेकिन आप परमुटेशन भी सिचुएशन में लगा सकते हो जिसमें आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है और रिपीटेशन अलाउ नहीं है वहां पे, तो सिंपल आप परमुटेशन भी यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने सवाल करवाया था। अब आप एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाओ, जगह बहुत है यहां पे बस। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं, पहले एग्जाम्पल 1 करवाइए, और 2 तो है बहुत ही इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन को अरेंज करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 सेम ही पेज है, पेज नंबर 224। सवाल क्या लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है कंडीशन गिवन है कि np3 बराबर है 12 n/2 p3, और आपको निकालना है n की वैल्यू। कंडीशन ये गिवन है, इस कंडीशन को रख के आपको n निकालना है। अब देखो परमुटेशन ये फैक्टोरियल में ना, ये जो ऊपर होता है इसमें आपके पास जो परमुटेशन है या कंबिनेशन है, ऊपर जो चीज लिखी हुई नीचे जो चीज लिखी हुई दोनों नेचुरल होनी चाहिए, या आप होल कह लो कि नीचे आपके पास होल नंबर आ सकता है, 0 आ सकता है, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप यहां पे देखो आपको फ्रैक्शन नजर आ रही है, तो इससे घबराओ नहीं कि परमुटेशन के ऊपर फ्रैक्शन कोई नहीं आ सकती। अब आपने कुछ ऐसी एन की वैल्यू पुट करनी कि फ्रैक्शन खत्म होगी, तो ये ध्यान से निकाल दो, परमुटेशन कंबिनेशन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को नेचुरली होंगे, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आ सकते। यहां पर जो फ्रैक्शन नजर आ रही है उसकी वजह है कि आपने कुछ ऐसा एन पुट करना है ना कि फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी यहां से, वही एन हम निकालेंगे। तो इस चीज को बस ध्यान में रखना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करो, np3 क्या होगा, n factorial / n − 3 factorial।
जबकि 12 को साइड पे रखो, n अपॉन 2 p3 क्या होगा? ऊपर होगा n अपॉन 2 फैक्टोरियल, और नीचे क्या होगा? n अपॉन 2 माइनस 3 फैक्टोरियल। मतलब ऊपर चीज लिखी हुई है माइनस 3 फैक्टोरियल, जैसे आपने यहां पे किया था n माइनस 3, वैसे आप कर लो। आप जरा इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, आप n फैक्टोरियल को लिखो n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल, रोक दो यहां पे, और नीचे भी n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख दो। वही काम जो आप एक्सरसाइज में करते थे, एग्जैक्ट वही मेथड है यहां पे, और इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब n अपॉन 2 बड़ा है, n अपॉन 2 माइनस 3 छोटा है, तो ऊपर वाले को एक्सपेंड करो, आप लिखो n अपॉन 2, n अपॉन 2 माइनस 1, n अपॉन 2 माइनस 2, और इसके बाद एक और टर्म भी आएगी यहां पे, लिख लेना n अपॉन 2 माइनस 3, और इस पर फैक्टोरियल लगा देना, क्योंकि नीचे n अपॉन 2 माइनस 3 है, तो रुक जाओ यहीं पे, तो रुक गए आप, और नीचे जीरो आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको और इसको कैंसिल कर दोगे, इसको और इसको कैंसिल कर दोगे, ठीक है। अब जो बचा वो लिखते हैं, फिर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एन एन माइनस वन, एन माइनस थ्री, लेफ्ट हैंड साइड पे बचे, राइट हैंड साइड पे 12 बचे। अब देखो सबके नीचे 2 आ रहा है, फ्रैक्शंस है ना, आप एलसीएम लेते जाओ, मतलब सिंप्लीफाई कर लो, किस तरीके से, एन अपॉन 2 तो ऐसे रहने दो, एन अपॉन 2 माइनस 1 को सिंप्लीफाई करो, 2 को माइनस 1 से करो माइनस 2, और फिर एन लिखा है, तो ये हो जाएगा एन माइनस 2 अपॉन 2, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा एन माइनस 4 अपॉन 2, तो राइट हैंड साइड ये आपके पास लिखी है। आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इस एन को इस वाले एन से कैंसिल करो, एन माइनस 2 को इस एन माइनस 2 से कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और वो 2 जो है अपने जगह पे बचा है। अब जरा देखते हैं क्या मौजूद है हमारे पास, ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा एन माइनस 1 से आगे, इसको ऐसे लिख देते हैं, यहां पे क्या मौजूद है, एक तो 3 बचा हुआ है और एक एन माइनस 4 बचा हुआ है, तो जरा सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 2n माइनस 2, ये हो जाएगा 3n माइनस 12, 2n को बदल ले जाओ, 12 को बदल ले आओ, तो 12 इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये अपनी जगह पे, और 2n उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, यहां से आ जाएगा n, तो बच्चों n की वैल्यू आ जाएगी 10, सवाल आपका कंप्लीट, ठीक है। अच्छा बुक में दो वैल्यूज आ रही है 10 और 2, क्योंकि बुक ने n माइनस 1, मतलब मैंने जो n माइनस 2 कैंसिल किया ना, बुक वालों ने n माइनस 2 कैंसिल नहीं किया था, दैट्स व्हाई उनके पास जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रही थी, सॉल्व किया, दो वैल्यूज आई, 2 उन्होंने बोला सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्यों 2 सिलेक्ट नहीं कर सकते, अगर आप इस पे n माइनस 2 कैंसिल नहीं करोगे और फिर सॉल्व करोगे तो एक आंसर आपके पास 2 भी आ रहा होगा, 2 को सिलेक्ट नहीं करोगे, वजह क्या है कि अगर आप इसमें देखो ना n अपॉन 2, तो ये n अपॉन 2 डेफिनेटली ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, या मैक्सिमम 3 के बराबर हो, वरना 3 से ग्रेटर होगा, क्योंकि ऐसी तो पॉसिबल नहीं है ना कि ऊपर छोटी चीज है नीचे बड़ी चीज है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब कम से कम n अपॉन 2 3 होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा कुछ भी हो जाए, 3 से बड़ा हो जाए, 5 10 11 कुछ भी हो जाए, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 3 के बराबर होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब n की दूसरी वैल्यू बुक में 2 आ रही है, जब आप यहां पे 2 पुट करोगे, 2 अपॉन 2 क्या होता है, 1, 1 कैसे आ सकता है ऊपर, 1 यहां भी नहीं आ सकता, 1 यहां भी नहीं आ सकता, ठीक है। पहले आपने ये रिक्वायरमेंट फिल करनी है, क्योंकि ये छोटी चीज है, फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, अगर आप n की वैल्यू 3 पुट करो इसको कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको मसला होगा, 3 अपॉन 2 फ्रैक्शन आ जाएगी ना, तो आपने इस वाली कंडीशन को देखना है, तो ये वाली कंडीशन 3 से ग्रेटर होनी चाहिए, n अपॉन 2 3 से ग्रेटर, और साथ साथ इंटीजर भी हो, तो डेफिनेटली n की वैल्यू 10 जो है उसको सेटिस्फाई कर रही है, जब आप पुट करोगे 10 अपॉन 2 5, तो यहां पे 5 आ जाएगा, यहां पे 10 आ जाएगा, तो ऑब्जर्व करोगे 10 पी 3 बराबर होगा 12 5 पी 3 के, कैलकुलेटर से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, तो ये आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है, और एग्जाम्पल नंबर 4 में लिखा है, अगेन ये सवाल आप परमुटेशन से भी कर सकते हो, प्रोडक्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हो, पेज नंबर 225 लिखा है, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी मेड विद 5 फ्लैग्स, आपके पास फ्लैग्स कितने हैं, नंबर ऑफ फ्लैग्स आपके पास है 5 ऑफ डिफरेंट कलर, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डिफरेंट है वो आपस में, By hosting 1 or 2 or 3 or 4 or all of them, मतलब 5, one above the other. कहने का मतलब यह है कि बच्चों आपके पास 5 फ्लैग है, आपने सिग्नल बनाने, वो कह रहे हैं एक झंडे से भी आप सिग्नल बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी नहीं मुझे पता, लेकिन पहले जमानों में ऐसे होता था, अभी भी मैंने देखा है कि यार सिंपल एग्जाम्पल लो ना, कभी रोड का काम चल रहा होता है तो आपने देखा होगा एक बंदा खड़ा होता है रेड झंडा लेके, यूं करके बताना चाह रहा था भाई कुछ काम चल रहा है यहाँ पे, रेड का मतलब क्या है भाई, इंसान के बच्चे बन जो यहां से नहीं आना, थोड़ा साइड से निकलो, काम चल रहा है यहाँ पे, तो एक फ्लैग से आप सिग्नल बना सकते हो। जैसे पुराने जमानों में मेरे ख्याल में आपने अपना झंडा खड़ा, जैसे दो लड़ हैं
तो उन्होंने अगर अपना झंडा अपना खड़ा कर दिया, इसका मतलब उसका सिग्नल क्या है कि यार वो जीत रहे हैं। फिर उनको गिरा के कोई अपना खड़ा कर रहा है, इसका मतलब वो जीत रहे हैं। तो एक मतलब वो झंडा खड़ा करते थे, एक सिग्नल आपको मिलता था कि यार वो चीज जीत रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप ये समझ लो कि अगर आप ट्रैफिक पे जाते हो, आपके पास लाइट्स है ना, कंसीडर करो पुराना जमाना है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप फ्लैग से बना रहे हो, तो एक ग्रीन फ्लैग है, एक येलो फ्लैग है, एक रेड फ्लैग है। ठीक है, तीन फ्लैग से आपने एक सिग्नल बना दिया, एक फ्लैग से भी आप सिग्नल बना सकते हो, कुछ सिचुएशन में दो फ्लैग से भी आप कुछ सिग्नल बना सकते होगे, चार फ्लैग का भी कुछ सिग्नल बन सकता है, पांच फ्लैग का भी कुछ सिग्नल बन सकता है। अगर आप ऑब्जर्व करो और आएगा, तो कहने का मतलब है कि या तो एक फ्लैग से सिग्नल बनाओ, या कोई ऐसा सिग्नल बनाओ जिसके लिए दो फ्लैग चाहिए, या कोई ऐसा सिग्नल बनाओ जिसके लिए तीन चाहिए। जैसे आप ट्रैफिक में देखते हो उसमें तीन चीजें चाहिए होती हैं, एक से सिग्नल नहीं बनेगा, खाली रेड बत्ती चल जाए, रेड को बंद खोल करोगे तो वो मजा नहीं आ रहा सिग्नल का। हाँ, रेड जल रही है रुको, येलो जल रही है तैयार हो जाओ, ग्रीन चले जाओ। हमारा क्या होता है, हमारा रेड बनती है तो बड़ी मुश्किल से हम रुकते हैं, तो देखते हैं। हमारे यहाँ रेड का मतलब ये होता है कि अगर कोई सामने कोई देख नहीं रहा आपको तो निकल जाओ, येलो का मतलब होता है कि निकल जाओ, येलो हाँ हमारे ही मतलब होता है कि अगर बिलफर्ज आप रेड पे रुक गए ना, तो फिर येलो का मतलब है भाई निकल जाओ, और ग्रीन का मतलब है भाई गए नहीं आप अभी तक, चले जाओ, ये मतलब है हमारे यहाँ। असूली तौर पर तो ग्रीन पे निकलना चाहिए, अगर कोई रेड पे रुक जाता है वो येलो भी निकल जाते हैं यहाँ पे। तो पर खैर तीन फ्लैग आप ही समझ लो कि सिग्नल बनाया मैं तीन फ्लैग से। तो इस किस्म के आपको डिफरेंट सिग्नल बनाने, तो आपसे पूछ रहे हैं कि कितने वेज इस तरह के बन सकते हैं, ये आपको निकालना है। तो आप ये कह सकते हो कि सिग्नल्स मे बी कंसिस्ट ऑफ वन और टू और थ्री और फोर और फाइव फ्लैग्स। ठीक है, अब आप नंबर ऑफ सिग्नल निकाल लो, ये जब आपने कंडीशन मेंशन कर ली है, अब आप नंबर ऑफ सिग्नल निकाल लो। सबसे पहली पॉसिबिलिटी, अच्छा आप प्रोडक्ट प्रिंसिपल से कर सकते हो इसको। प्रोडक्ट प्रिंसिपल में सबसे पहली चीज क्या है कि आपने एक का बनाना है, तो एक ही प्लेस है भाई, एक प्लेस पे पांच में से कोई भी आ सकते हैं, पांच वेज है। ठीक है, प्लस अब दूसरी पॉसिबिलिटी को देखते हैं कि अगर आपने दो फ्लैग से सिग्नल बनाना है, दो प्लेसेस है आपके पास, तो पहली प्लेस पे कोई भी पांच आ सकते हैं, दूसरी प्लेस पे कोई भी चार आ जाएगा, ये हो गया। प्लस तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि तीन आपको फ्लैग के बनाने, तो ये हो जाएगा फाइव फोर थ्री, प्लस चार के बनाने फाइव फोर थ्री टू, और आखिरी पॉसिबिलिटी क्या है फाइव फोर थ्री टू वन, जो भी है। ठीक है, तो आप ये सवाल प्रोडक्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हो, लेकिन मजा नहीं आना प्रोडक्ट प्रिंसिपल से, डिफरेंट डैशेज हो गई है, तो दैट्स व्हाई इसको हम प्रेफर करते हैं परमुटेशन से कर लेते हैं। बात तो एक ही है ना, जो काम आप प्रोडक्ट प्रिंसिपल से कर रहे हो सेम परमुटेशन से भी कर सकते हो। जैसे पहली पॉसिबिलिटी में क्या था कि आपको एक फ्लैग का बनाना है, तो पांच में से कोई भी एक कर लो, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी दो का करना है, तो भाई पांच में से कोई भी दो कर लो, ऑर्डर मैटर करेगा यहां पे, प्रोडक्ट प्रिंसिपल पे भी ऑर्डर मैटर कर रहा है, यहां पे भी कर रहा है। तीसरी पॉसिबिलिटी के फाइव पी थ्री, चौथी पॉसिबिलिटी फाइव पी फोर, पांचवी पॉसिबिलिटी फाइव पी फाइव, सबको आपस में ऐड करोगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि आपने एक सिग्नल बनाया है जिसके अंदर पांच फ्लैग है, और आपने सिग्नल बनाया जिसके अंदर तीन फ्लैग है, एक साथ ऐसा नहीं है, या तो पांच फ्लैग का सिग्नल होगा या तीन फ्लैग का होगा, तो सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आपने ऐड कर दिया। फाइव पी वन जो है बच्चों फाइव होगा, फाइव पी टू जो है ना यहां पर होगा सिक्सटी, फाइव पी थ्री हो जाएगा नहीं, फाइव पी टू जो है ना ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 6 मतलब 20, 5P3 हो जाएगा 60, 5P4 हो जाएगा 120, और 5P5 क्या होगा 5 अपॉन मतलब भाई 120 होगा ये। ठीक है, तो 240, 300, 325 आपके पास सिग्नल बनेंगे, मैं जस्ट वेरीफाई कर लेता हूं, यस 325 आपके पास बनेंगे, ये मैंने आप लोगों को बच्चों सिखा दिए। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जैक्ट बुक का क्वेश्चन है कि यार ये बुक में आपको मिलेगा कि पता नहीं तीन सिंधी की थी, तीन इंग्लिश की थी, दो उर्दू की थी, ऐसा कुछ था, एग्जैक्ट वही सवाल है, तो जो टेक्निक मैंने वहां पे बताई थी वही अप्लाई करना, तो दोबारा मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। फिर आज एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 6 सॉरी पेज नंबर 226। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, देयर आर 7 डिफरेंट पोस्ट, तो कितनी पोस्ट है आपके पास, मतलब वैकेंसीज आप कह लो, नंबर ऑफ पोस्ट आप कह लो 7 है आपके पास। ठीक है, ऑफ विच थ्री मस्ट बी हेल्ड बाई ग्रेजुएट, के जो सात पोजिशन है ना उसमें से तीन आपने ग्रेजुएट रखने और दो जो है वो अंडर ग्रेजुएट रखने, ये पांच पोजिशन होगी ना, वाइल द रिमेनिंग टू जो बाकी दो जो है मे बी गिवन टू आइदर ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, जो बाकी दो भाई मिनिमम तीन ग्रेजुएट को पोजिशन देनी है
और दो अंडर ग्रेजुएट को देनी, ये तो मिनिमम है। जो बाकी दो सीट है ना उसमें आप कोई ग्रेजुएट रख लो कोई अंडर ग्रेजुएट रख लो कोई मसला नहीं है, लेकिन मिनिमम तीन ग्रेजुएट और दो अंडर ग्रेजुएट को तो आपने देनी देनी है। ठीक है, इफ 10 ग्रेजुएट्स एंड 5 अंडर ग्रेजुएट, भाई कितने ग्रेजुएट्स हैं आपके पास, नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स का मतलब जो पास आउट हो गए यूनिवर्सिटी से, जैसे मैं ग्रेजुएट हूं तो ये 10 है, और नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट जो अभी पढ़ रहे हैं या उन्होंने इंटर पढ़ा है बस अभी, तो नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स कितने हैं, 5 है। ठीक है, बाकी हम लिख देंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो हम जरा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिखना चाहो तो ना लिखो कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नंबर ऑफ वेज लिख देते हैं हम, और मैं नीचे लिख देता हूं नंबर ऑफ वेज, नीचे आप पूरी वो चीज लिख दो कि 3 ग्रेजुएट अच्छा 2 जो है वो अंडर ग्रेजुएट हैं, अच्छा एंड 2 मे बी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट। कहने का मतलब जो नंबर ऑफ वेज ऑफ निकाल लेना हम, तो इसका मतलब है कि जो 60 डिफरेंट पोस्ट हैं उसमें 3 ग्रेजुएट होंगे 2 अंडर ग्रेजुएट होंगे, और जो बाकी 2 हैं उसमें ग्रेजुएट भी हो सकते हैं अंडर ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। इस सवाल को प्रोडक्ट प्रिंसिपल से भी सॉल्व कर सकते हो, परमोटेशन से भी कर सकते हो, लेकिन ये वो चीजें हैं जिसमें प्रोडक्ट प्रिंसिपल मजा नहीं आता, लेकिन आप लगा सकते हो। मैं बता देता हूं किस तरह लगाओगे, भाई 7 डिफरेंट है तो आप लिख दो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पोजिशन आ गई। शुरू की 3 पोजिशन को किसने फिल करना है, ग्रेजुएट, टोटल ग्रेजुएट कितने हैं, 10 ग्रेजुएट है, तो कोई भी 10 ग्रेजुएट इस पोजिशन पे आ सकता है। अब देखो ऑर्डर मैटर करता है, ये नहीं कि सेम पोजिशन है, भाई ट्रेनिंग इंजीनियर की पोजिशन होगी, किसी को एचआर में रखना होगा, किसी को मैनेजमेंट में रखना होगा, किसी को वैसे ही रखना होगा, मुझे इतनी पोजिशन नहीं पता, तो पोजिशन डिफरेंट है तो ऑर्डर मैटर कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी 10 जो है वो इस पहली पोजिशन पे आ, फॉर एग्जांपल पहली पोजिशन जो है वो एचआर की है, एचआर के डिपार्टमेंट शायद फॉर एग्जांपल की पोजिशन है, तो कोई भी 10 यहां पे आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को यहां पे हायर कर लिए तो बाकी कितने ग्रेजुएट्स बचे, 9 बचे, किसी भी 9 को यहां पे रख सकते हो, यहां पे रख दे किसी भी 8 को रख सकते हो, तो 3 पोजिशन जो है वो आपने ग्रेजुएट से फिल कर दी है। अच्छा, जो बाकी 2 पोजिशन है वो किससे फिल करनी है, अंडर ग्रेजुएट से, तो इस वाली पोजिशन पे भाई 5 अंडर ग्रेजुएट है, कोई भी 5 आ सकता है इस पोजिशन पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो यहां पे आ गया, अब बाकी 4 जो है वो दूसरी पोजिशन पे आ सकते हैं। ठीक है, अब जो बाकी की 2 पोजिशन है उसपे या तो ग्रेजुएट कर लो या अंडर ग्रेजुएट कर लो, कोई मसला नहीं है। अब देखो 3 ग्रेजुएट ऑलरेडी आपने कवर कर लिए, 2 अंडर ग्रेजुएट आपने कवर कर लिए, टोटल बच्चे थे 15, उसमें से 5 को तो आपने पोजिशन दे दी है। अब देखो यहां पर ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप इनको सब एक साथ कंसिडर करो, मतलब उन्होंने बोला ना ग्रेजुएट कर लो अंडर ग्रेजुएट कर लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जो बाकी रिमेनिंग बच्चे हैं उनको आप कोई भी पोजीशन दे दो। ठीक है, तो 5 बच्चों को तो आपने पोजीशन दे दी, बाकी कितने बच्चे बचे, टोटल 15 थे ना, तो बाकी कितने बचे, 10 बच्चे बचे, तो 10 में से किसी को भी ये 6 पोजीशन जो छठी पोजीशन है वो दे दो, चाहे वो ग्रेजुएट हुआ चाहे वो अंडर ग्रेजुएट, हमें मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं है, बाकी जो रिमेनिंग 10 है उसमें से किसी को भी दे दो, और जो रिमेनिंग 9 है किसी को भी 7वीं पोजीशन दे दो। तो एग्जैक्टली ये पूरा सवाल कहां से हो सकता है, प्रोडक्ट प्रिंसिपल से हो सकता है, आप इनको मल्टीप्लाई करो आंसर वही आ रहा होगा जो बुक का। ठीक है, या दूसरा केस जो है आप परमोटेशन लगा लो, और एग्जैक्ट वही परमोटेशन लगेगी वैसी मेथड से जैसे आप कॉम्बिनेशन सॉल्व कर रहे होते थे कि बनाने आपको एक पार्टी बनानी होती थी ना, कमेटी बनानी है, फॉर एग्जाम्पल 4 लेडीज हैं 5 जेंटलमैन हैं, उसमें से 2 लेडीज करनी है 3 जेंटलमैन करने हैं, जैसे 5C3 ये सब करते थे, तो एग्जैक्ट वही टेक्निक होगी, बस वहां पे सी यूज करते थे यहां पे पी यूज करोगे, क्यों, क्योंकि पोस्ट जो है वो डिफरेंट है। वहां पे जब आप कमेटी सेलेक्ट करते थे तो मैटर नहीं करता था, जो भी 5 बंदे आपने सेलेक्ट किए कोई पोजीशन नहीं थी, बस 5 का ग्रुप बनाना है, किसी को भी पहले सेलेक्ट कर लो किसी को बाद में कर लो, लेकिन यहां पे पोजीशन मैटर कर रही है, मेरी पहली पोजीशन एचआर की हो, अब पहली पोजीशन पे जिसको रखोगे तो डिफरेंट बात है, फॉर एग्जांपल हमजा को आपने पहली पोजीशन पे रखा है, अब दूसरी पॉसिबिलिटी में आप 7 को रखो ये अलग बन जाएगी ना यहां पे, तो दैट्स व्हाई यहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, क्योंकि पोस्ट डिफरेंट है आपस में, तो आप परमोटेशन यूज करो। बाकी टेक्निक वही होगी कि आपको कोई भी 10 ग्रेजुएट्स हैं उसमें से किसी भी 3 को आपने पोजीशन देनी है, 3 पोस्ट आपने देनी है, 5 अंडर ग्रेजुएट है किसी भी 5 में से आपको 2 को पोजीशन देनी है, टोटल 5 पोस्ट आपने दे दी, रिमेनिंग 2 है, बच्चे कितने बचे हैं भाई, 3 और 2, 5 बच्चों को तो आपने पोजीशन दे दी, अब टोटल 10 बच्चे बचे हैं पीछे, तो 10 में से कोई भी 2 पोजीशन आप दे दो,
वही काम करो, मल्टीप्लाई करो आपस में, दैट्स इट। तो 10p3 क्या हो जाएगा बुक में देख लेते हैं यार। 10p3 जो है बुक वालों ने सॉल्व नहीं किया हुआ, 10 factorial upon 7 factorial। तो चलो इसको सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। या बुक वालों ने एग्जैक्ट प्रोडक्ट प्रिंसिपल लगाया हुआ है, ये वही चीज है 10, 9, 8, 5, 4, ये अंडर ग्रेजुएट की थी, और फिर जो बाकी रिमेनिंग थी 10, 9, एग्जैक्ट वही सारा कॉन्सेप्ट है। तो आप मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 1296000। तो कितने तरीके हैं, 12,96,000 तरीके से आप ये 7 पोजीशन जो है ये दे सकते हो। टोटल 15 लोगों को रिस्ट्रिक्शन मैंने आप लोगों को बता दी है। तो ये बच्चों एग्जांपल जो डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद एग्जांपल नंबर 8 है, और ये सबसे मुश्किल एग्जांपल है समझाने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बात समझ आ जाए पहली दफा में, मुश्किल है इसको समझाना, लेकिन हमने इससे ज्यादा मुश्किल चीजें समझाई हैं, तो ये तो कुछ है ही नहीं है। अच्छा, लिखा हुआ है हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड, आपके पास एक वर्ड दे दी है, गिवन आपके पास वर्ड क्या, अरेंज, ये वर्ड आपको गिवन है, ठीक है। तो आप इस वर्ड के बारे में थोड़ा लिख लो अपने पास, अपने आप को बता दो क्या इसके अंदर है। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इसके अंदर, भाई इसके अंदर टोटल 7 लेटर्स है। अच्छा, नंबर ऑफ को रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। नंबर ऑफ एज, एज जो है वो 2 दफा आ रहा है। नंबर ऑफ आर्स, आर जो है वो भी 2 दफा आ रहे हैं। दैट्स इट। अब जरा सवाल पे आते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड बी अरेंज सो दैट, पार्ट वन में द 2 आर्स आर नेवर टुगेदर, कि ऐसे वर्ड्स आप बनाओ कि जिसमें 2 आर जो है वो एक साथ ना हो। जैसे अरेंज के अंदर 2 आर एक साथ है ना, ये मान नहीं जाएगा। पार्ट वन के अंदर ऐसे वर्ड्स बताओ जिसके अंदर आर जो है वो एक साथ ना हो। ये सवाल हमने बहुत दफा एक्सरसाइज में किया है कि जब 2 चीजें एक साथ ना हो तो आप किस तरह करते थे। पहले 2 काम करते थे, सबसे पहले टोटल पॉसिबिलिटी निकालते थे, दूसरे नंबर पे आप ऐसी पॉसिबिलिटी निकालते थे जिसमें वो एक साथ है, फिर टोटल में से एक साथ की पॉसिबिलिटी माइनस करते थे, तो इसका मतलब बाकी जितनी पॉसिबिलिटी आती थी उसमें वो एक साथ नहीं है। यही काम आपने किया था, वो अलजबरा और कैलकुलस का पेपर था 7.2 में आपको मिल जाएगा। सेम 7.3 में भी आपने ये काम किया था कि पता नहीं कोई था कि जिसमें बॉयज थे कि एक साथ ना हो 2 बॉयज, 7.3 की भी एंड क्वेश्चन में टेक्निक आपने लगाई थी। सेम टेक्निक यहां पे लगाओ, सबसे पहले आप निकालो टोटल इस वर्ड को अरेंज करने के कितने तरीके हैं। तो मैं लिख देता हूं टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट यहां पे कितनी है। तो भाई टोटल कितने लेटर्स है, 7 है, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 सिमिलर है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या होगा, 1260। तो आपके पास टोटल अरेंजमेंट आ जाएंगी 1260। डब्बा नहीं मराते क्योंकि ये आपका आंसर नहीं है, वैसे लिख दो आप। टोटल 1260 अरेंजमेंट है इस वर्ड की, जिसके अंदर आर एक साथ भी आ रहे होंगे और जिसके अंदर आर एक साथ नहीं भी आ रहे होंगे। सब पॉसिबिलिटी टोटल मिला के कितनी है, 1260 है। अब आप निकालो जिसमें एक साथ है। तो दूसरा मैं क्या निकालता हूं, नंबर ऑफ बेस, और नीचे ब्रैकेट में मैं समझा दूंगा चेकर को कि मैं कौन से नंबर ऑफ वेज निकाल रहा हूं, इन विच 2 आर्स आर टुगेदर। ऐसे नंबर ऑफ वेज निकाल रहा हूं जिसमें 2 आर जो है वो टुगेदर है, ये नंबर ऑफ वेज में निकाल रहा हूं। अब देखो जब रिस्ट्रिक्शन आ जाती है ना, तो आप उस सवाल को प्रोडक्ट प्रिंसिपल से कर लो ज्यादा बेहतर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपने ग्रुप बना देना है, मतलब आप ऐसे अरेंजमेंट निकालो जिसमें 2 आर जो है वो एक साथ आ रहे हैं। तो आप क्या कंसीडर करो कि भाई 2 आर तो एक साथ आ गए, ये काम यार ऊपर कर ले ज्यादा बेहतर है, मतलब यहां पे आप कर लेना ज्यादा बेहतर है। इस जगह पे क्या काम कर लेना, आप दिखा देना इस पूरे सेंस को कि 2 आर को हम एक साथ रखना चाह रहे हैं, तो इनका तो आपने ग्रुप बना दिया है, बाकी लेटर जो इनको लिख दो ए ए एन जी ई, या उनको शो करके दिखा देना, ठीक है। तो ये तो फिक्स हो गया, टोटल ये कितने हैं, ये टोटल है 5, और इसको अब आप 1 कंसीडर करोगे तो टोटल आपके पास कितने हैं, 6। तो 6 चीजों को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, 6 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन इन 6 चीजों में 2 रिपीट भी हो रहे हैं भाई, ये ग्रुप जाए तो 1 है ना, तो रिपीट तो दोबारा नहीं होगा, ये ई रिपीट नहीं हो रहा, जी रिपीट नहीं हो रहा, एन रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन इन 6 के अंदर ए 2 है, मतलब ए जो है वो एक और दफा भी आ रहा है, तो आप डिवाइड करो 2 फैक्टोरियल से, ठीक है। ये काम करते थे आप, देखना 7.2 में ऐसे आपको मिलेंगे जिसके अंदर हम इस तरह कर रहे थे, ठीक है। तो ये 6 हैं जिसमें से 2 जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो आपने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। फिर आप मल्टीप्लाई करते थे, किस ग्रुप को भी तो आपस में अरेंज कर सकते हो ना, उससे आप मल्टीप्लाई करते थे।
लेकिन अगर आप यहाँ पे ग्रुप देखो, ग्रुप में दोनों लेटर सेम है, कैसे अरेंज करोगे भाई? आप आर इस तरह लिखो या इनको आपस में चेंज भी कर दो, बात एक ही मानी जाएगी, डिफरेंट नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे आप टू फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ये है तो दो चीजें लेकिन सेम है। परमोटेशन का रूल नंबर टू लगाओ, टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल बन जाएगा, कि दो ही चीजें डिवाइडेड बाय सिमिलर कितनी है, दो ही है, तो टू फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल वन हो जाएगा। तो ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो, वन लिख दो यहाँ पे, बताने के लिए कि यार इस चीज को अरेंज करने का एक ही तरीका है, यहाँ पे दो तरीके नहीं है इसको, ठीक है? तो बस सॉल्व करो, सिक्स फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, बुक के छाप लेते हैं 360। तो भाई 360 तरीके हैं जिसमें ये दो आर जो है एक साथ आ रहे हैं। अब जरा इस बात को समझो, 1260 तरीकों से आप इस वर्ड को अरेंज कर सकते हो, 1260 में से 360 ऐसे तरीके हैं जिसमें ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आर एक साथ आ रहा है, तो बाकी तरीकों में क्या होगा, आर एक साथ नहीं आएगा भाई। आर एक साथ आ रहा है 360 तरीकों में, टोटल है 1260, तो भाई 360 के अलावा जो है उसमें क्या हो रहा है, उसमें आर एक साथ नहीं आ रहा। तो अब जरा निकालते हैं पार्ट वन का आंसर, निकालते हैं पार्ट वन का आंसर क्या था, सॉरी पार्ट वन था क्या, लिख लो आप कि द टू आर्स आर नेवर टुगेदर। तो आप निकाल लो, टू आर्स आर नेवर टुगेदर। तो अब आप ये निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, लिख लो भाई कि नंबर ऑफ वेज, बताने की जरूरत नहीं है, नीचे ऊपर आपने ऑलरेडी बता दिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल माइनस जिसमें ये एक साथ है, तो ये हो जाएगा 900। तो 900 ऐसे तरीके हैं जिसमें आर जो है वो एक साथ नहीं होगा। पार्ट नंबर वन का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया कि 360 तरीकों में आर एक साथ थे, तो बाकी रिमेनिंग 900 तरीके ऐसे जिसमें आर दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। बाद पार्ट टू में लिखा हुआ था टू एज आर टूगेदर बट नॉट टू आर्स, कि दो ए जो है वो एक साथ हो लेकिन दो आर एक साथ ना हो, मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। कैसे, वर्ड्स बताओ जिसमें दो ए एक साथ है लेकिन दो आर जो है वो एक साथ ना हो। अब ऐसे निकाल, अब गेन इसी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो अब लिख दो कि टू एस आर टुगेदर बट टू आर्स आर नॉट, दो एक साथ है लेकिन दो आर एक साथ नहीं होने चाहिए। अब जरा निकालते हैं, सबसे पहले मैं डायरेक्ट नहीं आ सकता, तो पहले हमें दो चीजें और निकालनी पड़ेगी। पहले सबसे पहले नंबर ऑफ एज निकालो इन विच टू एज आर टुगेदर, टू एज आर टुगेदर, ऐसे नंबर ऑफ एज निकालो जिसमें दो ए एक साथ है, एग्जैक्ट वही बनेगा जो यहां पे होगा क्योंकि कंडीशन सेम ही है। इसके ऊपर अगर आप चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो कि ऐसे नंबर ऑफ एज जिसमें दो ए एक साथ हो, तो आप ए का ग्रुप बना लो, इन दोनों ए को एक ग्रुप दे दो, ठीक है, और जो रिमेनिंग है वो लिख दो, दो आर है और एन जी ई, तो अगेन भाई पांच और एक, तो टोटल कितने तरीके बन जाएंगे अरेंज करने के, छह तरीके बनेंगे, लेकिन ये दो सेम है ना, इनमें अगेन वही काम करोगे टू फैक्टोरियल से, और इनको आपस में अरेंज करने के कितने तरीके हैं, एक ही तरीके है, तो एग्जैक्ट वही बनेगा जो आपने दो आर एक साथ, आर जिसमें एक साथ थे ना उसकी पॉसिबिलिटी, और एक साथ जो है उनकी पॉसिबिलिटी सेम ही है 360, ठीक है। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, क्यों आंसर नहीं है, अगर आपको बोला जाता कि टू एज आर टुगेदर तो ये आंसर होता, लेकिन साथ उन्होंने बोला है कि टू आर्स आर नॉट टुगेदर, दो ए एक साथ हो, जैसे ये वाली पॉसिबिलिटी, ये नहीं बन सकती कि भाई दो ए तो एक साथ है लेकिन आर भी तो एक साथ है, हमें आर को एक साथ नहीं रखना, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब ये कैसे निकालोगे आप, ये जो 360 आंसर आया है इसके अंदर ऐसे भी तो वर्ड्स होंगे जिसमें एक साथ है लेकिन आर भी एक साथ होंगे, क्योंकि आपने किस कंडीशन रख के निकाला है, आपने कंडीशन रखा कि जिसमें एक साथ है, ऐसी भी कंडीशन होगी एक साथ होंगे लेकिन आर भी एक साथ होंगे, तो इन 360 तरीकों में ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें ए साथ होंगे और साथ साथ कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिसमें ए के साथ साथ आर भी एक साथ होंगे, जो कि आपको नहीं चाहिए। अभी 360 तो आपका आंसर नहीं, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहां पर। तो आप एक काम करो, आप यहां पे नंबर ऑफ वेज निकालो, किस चीज का नंबर ऑफ वेज, कि जिसमें टू एज एंड टू आर्स आर टुगेदर, आप ऐसे नंबर ऑफ वेज निकालो, ऐसे वर्ड्स निकालो जिसमें दोनों ए और दोनों आर एक साथ हो। अब ये कैसे निकालोगे आप, इसके ऊपर मेंशन कर देना कि भाई ए भी एक साथ रखने हैं इनका ग्रुप बना दो, आर भी एक साथ रखने हैं इनका ग्रुप बना दो,
पीछे क्या बता एन जी ई, कहने का मतलब ये दोनों एक साथ होंगे, आप इस ग्रुप को एन के दरमियान ले जाओ कोई मसला नहीं, लेकिन ये दोनों आर एक साथ होंगे, दोनों एक साथ होंगे। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से वर्ड, ए ए एन जी आर आर ई, ये बिल्कुल ही बात है, दो ए टू कहते हैं दो आर टू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन ए ए जी आर आर ई, ये भी एक वर्ड बनेगा, देखो दोनों ए बराबर है, दोनों ए एक साथ है, दोनों आर एक साथ है, ऐसे आपको बताना है। ठीक है, जरा देखते हैं कैसे निकालोगे। अगेन वही चीज, ये ग्रुप बन गया, ये एक है और ये तीन है, तो टोटल कितने आपके पास है, टोटल पांच है, फाइव फैक्टोरियल। क्या इसमें से कोई सेम है, नहीं, ये जो पांच आपने लिखे हैं पांच अलग अलग है ना, ये तीन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मतलब इसको आप एक कंसिडर कर रहे हो ना पूरे ग्रुप को, तो इस जैसा ग्रुप कोई और मौजूद है, नहीं, इस ग्रुप में तो ए है, ये अलग अलग है, तो जो पांच चीजें पांचों अलग है। साथ साथ आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों ग्रुप को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, अनफॉर्चुनेटली दोनों ग्रुप को अरेंज करने के एक तरीका ही है, इस ग्रुप को अरेंज करने का एक तरीका, इस ग्रुप को अरेंज करने का एक तरीका, क्योंकि सेम है ना, अगर दो अलग होते हैं तो आप टू फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं, टू फैक्टोरियल, तो खैर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120। अब ये 120 का मतलब क्या है, 120 ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ए भी एक साथ है, आर भी एक साथ है। अब असल सवाल आपका निकलेगा आंसर, और उसको जरा समझो कि नंबर ऑफ वेज, कौन से वेज, इन विच टू एस आर टूगेदर बट नॉट टू आर्स, कि ऐसे वर्ड्स जिसमें दो ए एक साथ है और दो आर एक साथ ना हो उसके अंदर। अब ये कैसे निकालोगे, गौर से समझ रहे हैं इस बात को, ये 360 किसको शो कर रहा है, 360 उन नंबर्स को शो कर रहा है जिसमें दो ए एक साथ है, उन 360 में ऐसे भी वर्ड्स होंगे जिसमें दो ए के साथ दो आर एक साथ होंगे या दो आर एक साथ नहीं होंगे, मतलब 360 में जस्ट आपको इस बात की गारंटी दी जा रही है कि दो ए एक साथ है। अब दो पॉसिबिलिटी है कि ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें दो ए तो एक साथ होंगे लेकिन दो आर भी एक साथ होंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, और कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें दो ए एक साथ है लेकिन दो आर एक साथ नहीं है, ये दो कैटेगरी होंगी इन 360 के अंदर। तो आप क्या करो, आप इन 360 में से जो पहली कैटेगरी है उसको माइनस कर दो, पहली कैटेगरी क्या थी कि दो ए एक साथ है और साथ साथ दो आर भी एक साथ है, वो आपने निकाल ली है, दो ए और आर एक साथ होने कितने तरीके, 120। तो आप क्या करो 360 में से 120 को माइनस कर दो, क्या किया आपने, 360 में से वो पॉसिबिलिटी आपने माइनस कर दी जिसमें ए और आर ये दोनों एक साथ है, मतलब 120 वो पॉसिबिलिटी है जिसमें दोनों ए एक साथ है, दोनों आर एक साथ है। जब भी आप 360 में से माइनस कर दोगे, भाई 360 में मैं दोबारा बताता हूं, जो 360 है ना इसके अंदर दो किस्म के हैं वर्ड्स, एक वर्ड वो है जिसमें दोनों ए एक साथ है लेकिन दोनों आर जो है वो एक साथ नहीं है, कुछ ऐसे वर्ड होंगे, असल कंडीशन क्या है, दो ए एक साथ होने चाहिए, दो ए जो है वो एक साथ होने चाहिए, उसके 360 है। अब दो आर में भी एक साथ ना हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी कि एक साथ हो और साथ साथ आर भी एक साथ हो, ये दो पॉसिबिलिटी है 360 के अंदर। तो आप क्या करो, इन 360 में से इस वाली पॉसिबिलिटी को माइनस कर दो जिसमें दोनों ए एक साथ हो, दोनों आर एक साथ हो, 120 जो आपने ऑलरेडी निकाल दिया था। जब आप 360 में से पॉसिबिलिटी हटा दोगे तो पीछे ये वाली पॉसिबिलिटी बनेगी जिसमें दो एक साथ होंगे लेकिन दो आर एक साथ नहीं होंगे, वही आपको यहां पे निकालना था कि दो एक साथ हो और दो आर एक साथ ना हो, गला बैठ गया मेरा समझा के इसमें। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, 240। तो 240 ऐसे वर्ड होंगे जिसमें दो एक साथ ए होंगे लेकिन दो आर एक साथ नहीं होंगे। उसके बाद पार्ट थ्री है, पार्ट थ्री में लिखा हुआ है नाइदर टू एस नॉट टू आर आर टूगेदर, वो कह रहे हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी बताओ जिसमें ना ए एक साथ है ना आर एक साथ है, ये पॉसिबिलिटी क्या होंगी। अब ये कैसे निकालोगे, यार देखो मैं डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसको, नंबर ऑफ वेज टोटल जो थे वो आपके पास 1260 थे, इसमें से आपको माइनस करना है, कौन सा माइनस करना है, ये जो 1260 वर्ड्स हैं इसके अंदर मैं आपको कैटेगरी बताता हूं कौन कौन सी कैटेगरी होगी। 1260 के अंदर सबसे पहली कैटेगरी होगी जिसमें ए जो है वो एक साथ होंगे और आर जो है वो एक साथ नहीं होंगे, ये पहले सुनते से यही होगा और कोई नहीं होगा। अच्छा दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी होंगी जिसमें आर एक साथ होंगे लेकिन ए एक साथ नहीं होंगे, तीसरी ऐसी पॉसिबिलिटी होंगी जिसमें ए एक साथ होंगे आर एक साथ होंगे, और आखिरी पॉसिबिलिटी ये होगी जिसमें ना ए एक साथ होंगे ना आर एक साथ होंगे,
इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी मुझे बता के दिखा दो, कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी इसके अलावा? ऐसे ही वर्ड्स होंगे, ए एक साथ है लेकिन आर, दो आर अलग अलग होंगे, अच्छा दो आर एक साथ है लेकिन दो ए अलग अलग होंगे, दो ए और दो आर दोनों एक साथ नहीं है, अलग अलग है, और चौथी पॉसिबिलिटी दो ए दो आर एक साथ हो, इसके अलावा कोई वर्ड बन नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है? तो आपको क्या निकालना है, आपको ये वाली पॉसिबिलिटी निकालनी है जिसमें दोनों ए दोनों आर एक साथ ना हो। अब ये कैसे आएगी, आप 1260 में से इन तीन कैटेगरी को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1260 में से अगर इन तीन कैटेगरी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आखिरी कैटेगरी ये बच जाएगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करो पहली कैटेगरी 1260 में से, कि जिसमें दो एक साथ हो लेकिन दो आर एक साथ ना हो, या आपने भी निकाला था कि दो एक साथ हो लेकिन दो आर एक साथ ना हो, 240 थे, पहली कैटेगरी सब्ट्रैक्ट कर ली। दूसरी कैटेगरी क्या थी, कि दो आर एक साथ हो लेकिन दो एक साथ ना हो, ये आपने निकाला नहीं है लेकिन एग्जैक्ट ये आंसर आएगा, चाहो तो निकाल लेना क्योंकि सिमेट्री है इसके अंदर। ये है ना टू एज आर टुगेदर बट नॉट टू आर्स, अगर आप यहां पे टू आर्स आर टुगेदर बट नॉट टू एज निकालो वो भी 240 आएंगे, निकाल के देख लेना। तो दूसरी कैटेगरी भी आपने माइनस कर ली। तीसरी कैटेगरी क्या थी, जिसमें दोनों ए दोनों आर एक साथ हैं, वो आपने भी निकाला था, जिसमें दो आर एक साथ है, कितनी पॉसिबिलिटी थी 120, ये माइनस कर दी आपने, ये वाली पॉसिबिलिटी भी माइनस कर दी। तो जो टोटल में से तीनों कैटेगरी माइनस कर दिए, अब जो पीछे नंबर्स आएंगे उसमें क्या होगा, ना एक साथ होंगे ना आर एक साथ होंगे, ठीक है? तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 660। तो 660 यहां पे ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिसमें ना दोनों ए एक साथ है ना दोनों आर एक साथ है। कहने का मतलब ये होगा इसके अंदर कि लाइक A R A R N G E, जैसे इस वर्ड को देखो, दोनों ए एक साथ नहीं है दोनों आर एक साथ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल E डाल दिया, A डाल दिया, R डाल दिया। अब देखो दोनों ए अलग हैं, दोनों आर बेचारे अलग हैं, अच्छा कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे A R A N G R E, अब इसमें देख लो दोनों ए अलग है दोनों आर अलग है, ये सारी पॉसिबिलिटी है 660 के अंदर, ठीक है? अब सेम इस वर्ड को आप अरेंज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एनजी है आप इसको जीएन कर लो, फॉर एग्जाम्पल एन और ई है ना आप इसको ईएन कर लो, डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हो। तो ये जो 660 आपके पास आया ना, ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपके पास आ गए। तो बच्चों ये बहुत मुश्किल एग्जाम्पल थी समझाने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई होगी तो दोबारा देखना दोबारा समझ आ जाएगी। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये आपको मिलेगी पेज नंबर 229 के ऊपर। देखा भाई हाउ मेनी पॉजिटिव होल नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स डिजिट गिवन है ना, सो दैट इवन डिजिट ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। तो आपको गिवन डिजिट क्या क्या है, इसमें कुछ डिजिट अलाइक है, मतलब सेम रिपीट हो रहे हैं दोबारा, 5, 6, 5, 4, 3 आपको गिवन है। आपको कह रहे हैं कि ऐसे नंबर ऑफ वेज बताओ जिसमें इवन डिजिट जो है ना वो इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई उन्होंने किया है। निकालते हैं, न्याय तीसरी सवाल है, नंबर ऑफ वेज निकालते हैं भाई। अब नंबर ऑफ वेज अगर आप निकालने जाओगे ना यार, तो आप प्रोडक्ट प्रिंसिपल भी लगा सकते हो उसके ऊपर, लेकिन प्रोडक्ट प्रिंसिपल में अगेन वो कंपनसेशन करनी पड़ेगी आपको, जो परमोटेशन का सेकंड रूल है ना वो आपको लगाना पड़ेगा यहां पे। क्यों? क्योंकि 4, 6, 4 मतलब इवन नंबर आपस में रिपीट हो रहे ना, तो तीन इवन नंबर है, तीन को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल तरीके होंगे, लेकिन आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 जो 4 4 जो है ये सेम है, तो प्रोडक्ट प्रिंसिपल अगर आप डिवाइड करोगे अजीब सा चीज हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई हम परमोटेशन ही यूज कर लेते हैं यहां पे। तो नंबर ऑफ वेज निकालते हैं किसको, अरेंजमेंट ऑफ इवन नंबर्स इन इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस का ऐसा कोई इशू नहीं है यहां पे, ठीक है? क्योंकि सवाल थोड़ा स्ट्रेट फॉर एग्जाम्पल आपके पास 7 है ना, तो ये वाली प्लेस इस पर आपने इवन नंबर पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल 3 पुट कर दिया, 3 तो नहीं है, 6 पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया, यहां पे 4 पुट कर दिया। अब ये 3 इवन प्लेसेस हैं, 3 इवन नंबर्स हैं। अब इन 3 इवन नंबर्स को इन 3 प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों भाई, 3 चीजें हैं तो 3 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें 2 रिपीट हो रही है, 2 अलाइक है, तो आपने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो इवन डिजिट्स को इवन प्लेसेस पे अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जो कि बराबर हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 2 मतलब 3। 3 तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो, मतलब 4, 6, 4, 4, 4, 6 या 6, 4, 4, ये 3 पॉसिबिलिटी है, तो सेकेंड 4th 6th प्लेस पे आप रखोगे, ठीक है? अच्छा अब नंबर ऑफ वेज निकालो,
नंबर ऑफ वेज किसके अरेंजमेंट ऑफ ऑड नंबर्स इन ऑड प्लेसेस, जो बाकी ऑड प्लेसेस बची हैं कौन कौन सी, पहली तीसरी पांचवी सातवीं, उस पर चार ही ऑड नंबर है, चार ही प्लेसेस हैं, उन पे आपको अरेंज करना है। कौन कौन से हैं ऑड नंबर, थ्री फाइव फाइव और थ्री। अब यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो है तो चार लेकिन रिपीट हो रहे हैं, तो कितने तरीके होंगे, फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल आपने थ्री सॉरी फोर फोर सिक्स, ये आपने इवन नंबर फॉर एग्जाम्पल पुट कर दी। अब ये वाली प्लेस बची है ये फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पे थ्री पुट कर दिया, यहां पे फाइव अगेन थ्री, ये जो ऑड प्लेसेस है थ्री फाइव फाइव फाइव, ये है तो चार इसमें अंदर लेकिन अलाइक है, तीन दो दफा आ रहा है, फाइव दो दफा आ रहा है, तो आप क्या करो टू फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, फोर फैक्टोरियल चौबीस, चौबीस अपॉन फोर सिक्स, तो इसके छह तरीके। डब्बा ना बनाओ क्योंकि ये आपका आंसर नहीं है, तो ये अलग अलग आपने निकाल लिया, ठीक है। अब सवाल ये है कि प्लेसेस फिक्स हैं, तो इसका मतलब आपस में आप अरेंज ही नहीं कर सकते इसको, कि इवन नंबर्स ऑड नंबर्स को आपस में अरेंज नहीं करोगे, प्लेसेस फिक्स है, तो आप क्या करोगे यहां पे, आप टोटल किस तरह निकालोगे, टोटल वेज होंगी भाई, इवन नंबर्स को आपस में अरेंज करने के तीन तरीके हैं, ऑड नंबर्स को आपस में अरेंज करने के छह तरीके हैं, आपस में आप मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई इसलिए करोगे क्योंकि एक साथ डिजिट का वर्ड बनाना है ना, मतलब ये सब इवेंट एक साथ परफॉर्म होंगे, तो इवन नंबर्स को फिल करने के तीन तरीके थे, ऑड नंबर को फिल करने के तीन तरीके अच्छे तरीके थे, तो प्रोडक्ट प्रिंसिपल लगा के आप क्या करोगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, सही। बुक में भी लिखा है पूरा ही सॉल्यूशन एग्जैक्ट किया हुआ। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 10 पे सॉल्व करते हैं, हमारा 7.2 की एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएंगे। अगेन पेज नंबर 229 पे ही है ये लिखा हुआ, अ कॉइन इज टॉस्ड 7 टाइम, क्या लिख सकते हो बुक वाले, हम सॉल्यूशन लिख देते हैं, इन हाउ मेनी पॉसिबल वेज कैन वी गेट फोर हेड्स एंड थ्री टेल्स, कॉइन टॉस्ड 7 टाइम्स, ये कंडीशन गिवन है। अच्छा वो कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी बताओ जिसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने हो, चार हो और नंबर ऑफ टेल्स तीन हो, मतलब फॉर एग्जांपल आपने सात दफा कॉइन टॉस किया, पहली दफा में हेड आ गया, दूसरी दफा में हेड आ गया, मतलब मैं डिफरेंट पॉसिबिलिटी आपके सामने लिखता हूं, हेड हेड टेल हेड टेल टेल हेड, बस दैट्स इट, ये सात दफा कॉइन टॉस किए, पहली दफा हेड आया, दूसरी दफा हेड, तीसरी दफा टेल, चौथी दफा हेड, पांचवी दफा टेल, छठी दफा भी टेल, सातवीं दफा हेड, चार हेड है, तीन टेल है इसके अंदर। अब आपस में आप अरेंज कर लो, फॉर एग्जाम्पल इस एच को उठा के यहां पे टी की जगह पे ले जाओ, इस तरह करो, अब ये अलग अरेंजमेंट बन गई, पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड, पे तीसरे पे टेल, ये अलग अरेंजमेंट है। इसी तरह आप इस हेड और इस टेल इसकी पोजिशन को चेंज कर दो, अब एक अलग अरेंजमेंट बन गई। तो कहने का मतलब यहां पे सात चीजें जिनको आप अरेंज करना है, लेकिन उसमें से चार एक जैसी है, चार हेड और तीन एक जैसी है, तो अब नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे भाई, सात चीजें हैं तो ऊपर लिखो 7 फैक्टोरियल, जिसमें से चार एक जैसी हैं 4 फैक्टोरियल, तीन एक जैसी हैं 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई 6। सॉल्व करो क्या आंसर आ रहा है बुक में, भाई बुक में आंसर आ रहा है 35। तो भाई 35 ऐसे तरीके हैं कि जिनसे आप सात दफा टॉस करोगे तो डिफरेंट तरीके से चार हेड और तीन टेल आ सकते हैं। तो बच्चों वीडियो लंबी है लेकिन इसमें डिटेल में हमने एग्जांपल 7.2 से पहले जितनी भी सब कवर करनी है डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाई है। इस लेक्चर में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।